फैराडे मोटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शोध के एक ही साल के बाद महान साइंटिफिक थिंकर माइकल फैराडे ने इसको मोशन में लाया। आपने ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने कंपास का यूज करके बताया था कि जब एक तार से अगर करंट बहती है तो उस तार के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इसी सन 1821 ऑर्स्टेड के इस एक्सपेरिमेंट के बाद माइकल फैराडे ने इसको मोशन में लाने का सोचा था और एक उपकरण यानी कि मॉडल रेडी किया। हालांकि ये मॉडल कोई व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया, किंतु यह मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग थी और आज की अधिक परिष्कृत मोटरों का नेतृत्व भी किया। सबसे पहले हम उसके जैसा एक मॉडल बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं फैराडे मोटर। फैराडे मोटर को बहुत ही आसानी से बनाने के लिए हमें चाहिए एक ऐसा मेटल वाला बर्तन जिसमें हमने पानी भरा है, और हम और डालेंगे इसमें नमक ताकि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, और ये मैग्नेट लेंगे जिसको हम डाल देंगे इसके बीचों बीच। अब हम लेंगे ऐसी तार। आपको ऐसी तार कहाँ से मिलेगी? हमारे घर पे ऐसी वायर होती है, उसमें बहुत ही बारीक ऐसी कॉपर की तारें होती है, उसमें से हमने एक तार पतली और एक मोटी वाली तार निकाली है जो आप यहाँ देख सकते हो। ये जो मोटी वाली तार है उसको ऊपर से ऐसे हुक बनाएंगे ताकि ये इसके ऊपर घूमती रहे। तो देख रहे हो आप जैसे कि इस तरह से। और अब हम देखते हैं, या तो हमारे पास 9 वोल्ट की कोई भी ऐसी बैटरी हो या तो ऐसा अडैप्टर भी ले सकते हैं। तो आइए इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि रेड मतलब पॉजिटिव और ये है ग्राउंड, तो कोई भी एक पिन को इस बर्तन से कनेक्ट कर दीजिए और दूसरी पिन को आप कनेक्ट कीजिए इस हुक से जिसे हमने बनाया है। अब देखते हैं इस पे यहाँ पे रख के क्या होता है। तो आप देख रहे हो हमारी मोटर चल रही है। और एक चीज हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बबल पैदा हो रहे हैं, तो इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करते हैं। और एक बात, अगर हमें इसकी डायरेक्शन बदलनी हो तो क्या करना है, दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम इस मैग्नेट की दिशा चेंज कर दे, या तो हम इस पोल की दिशा चेंज कर दे जो हमने वायर कनेक्ट की थी। तो आइए देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया और अब हम देखेंगे कि ये उल्टा घूम रहा है, मतलब पहले जो घूम रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज था, ये था क्लॉकवाइज। तो देख रहे हो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी मोटर घूम रही है। तो आइए इस तार को घुमाने वाली ताकतों पर करीब से नजर डालते हैं। आप अब इस वीडियो में देख सकते हो कि परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस दिशा में है, और ऑर्स्टेड के जो एक्सपेरिमेंट में हमें पता लगा था कि तार के अंदर से अगर करंट बहती है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, तो उसकी भी डायरेक्शन हम देख सकते हैं। अब हम जब मैग्नेट की पोल को चेंज करेंगे या तो कनेक्शन उल्टे करेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो उल्टी हो जाएगी, इस वजह से ये उल्टी घूमेगी। अब जो मॉडल फैराडे ने बनाया था उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो उन्होंने सॉल्ट वाटर की जगह मर्क्यूरी यूज किया था, हालांकि हमने मर्क्यूरी की जगह सॉल्ट वाटर यूज किया है क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा शानदार कंडक्टर है, लेकिन मर्क्यूरी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, यह सोच मानव जगत में काफी देर से आई। तो इसलिए हमने इसका सब्स्टिट्यूट निकाला जो था सॉल्ट वाटर।